देखिए मेरा 2012 में ब्रॉन्ज रहा था, उसके बाद 4 साल बाद अभी एक न्यूज़ आई थी कि हमारा ये मेडल के जो सिल्वर मेडलिस्ट रशियन पैरा, वो डोप में आया है। और मेरे को अजीब भी लगा था क्योंकि पैरा की 2013 में मृत्यु हो चुकी है और पर ये मेडल अपग्रेड होगा। उसके बाद अभी न्यूज़ आई है कि ये जिसका गोल्ड था वो भी डोप में आया है। अब ये फैसला मेरे को नहीं पता क्या रूल हैं, क्योंकि UWW के क्या रूल हैं कि उसमें, क्योंकि 2 ब्राउंड निकलते हैं रेसलिंग में कि किसको क्या होगा। पर अगर रैंकिंग के हिसाब से देखा जाएगा तो वो गोल्ड हिंदुस्तान का बनता है, क्योंकि पॉइंट सिस्टम और जो वो था उसमें मेरे ज़्यादा बनते हैं, उस हिसाब से तो गोल्ड बनता है। और अभी पता नहीं क्या होगा, अभी 2-4 दिन के बाद क्लियर हो जाएगी कि वो पहलवान डोप में आया और किसको क्या होगा। देखिए 2012 में जो डोप सैंपल था मेरा, वो वही टेस्ट होगा, और उस बात के मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि हम कुछ ऐसा करते नहीं जो ऐसी चीज़ें हैं, हम जो भी चीज़ लेते हैं सप्लीमेंट लेते हैं, हम पूछ के लेते हैं। और कोई बोलता है कि 1 मिनट या 1 घंटा 1 दिन आता, तो उसी लेते नहीं हम, बिल्कुल जो डोप फ्री होता है, जो 1 सेकंड भी ना आए हम वो चीज़ लेते हैं, जो वैसे नॉर्मल सप्लीमेंट प्रोटीन विटामिन होते हैं ये लेते हैं बस हम।